तो फिर आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे दोस्त। मैं फिर से आप सभी के बीच यह कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का हल 12वीं के बाद स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं बेरोजगार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। बेरोजगारी का मतलब तो यह है कि 12वीं के बाद आपको तो जल्दी जॉब नहीं मिल सकते, या तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई इनकम भी होना चाहिए। गार्जियन सपोर्ट नहीं किए तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहले ऑप्शन है आपके अंदर जो हॉबी है उसको एक्सप्लेन करना, बतलाना। अगर जो आपके अंदर हॉबी है, जैसे हॉबी मतलब हो गया टैलेंट, आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको आगे ले जा करके और पढ़ाई के साथ यूटिलाइज करके, जोड़ करके, उसको इस्तेमाल करके और अपने पढ़ाई को हम इनकम मिला सकते हैं। और इन हॉबियों को अच्छी और बेहतरीन ढंग से किसी फील्ड में और अच्छे फील्ड में, अच्छे वर्क में लाएं और पढ़ाई के साथ इन हॉबी को जोड़ें, जो कि किसी प्रकार की बेरोजगारी का समस्या पैदा न हो। तो इसके लिए आप बात करते हैं हॉबी। हॉबी क्या होता है भाई? किसी को पेंटिंग बनाना आता है, किसी को संगीत गाना आता है, किसी को डांस करना आता है, किसी को पढ़ाने में रुचि अच्छा है, किसी को सिलाई अच्छा आता है, कोई मार्केटिंग कोई अच्छा करता है। तो ये सब आपका एक हॉबी हो गया, जिसके कारण हम अपनी बेरोजगारी और समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हॉबी को, जो कि किसी प्रकार की हमारे जीवन में रुकावट अवरोध पैदा ना हो, जिसके लिए हम यूज करेंगे हॉबी को। तो हर इंसान के पास कोई ना कोई एक न एक टैलेंट होता है। उस टैलेंट को आप अपने टैलेंट को, हॉबी को पढ़ाई के साथ जोड़िए और उनके साथ 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 दोनों वर्क कीजिए। तो क्या होगा, जब आपका आमदनी, रकम की आय बढ़ेगी तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड आपको ऑलरेडी हो जाएगा। तो जब आमदनी की रकम आएगी तो पढ़ाई आपका कभी भी रुकावट या कभी बीच में रुकना नहीं पड़ेगी, जिसके कारण ना बाहर जाना पड़ेगा ना कहीं जाना पड़ेगा। और अपनी हॉबी को साथ साथ अपनी पढ़ाई को ग्रोथ में रखिए। ये आपका जो बेरोजगारी का समस्या है 11वीं और 12वीं, 12वीं के बाद स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि बेरोजगारी का हल। एक दो साल जिसके पास पैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर के तैयारी कीजिए और अपनी जो टारगेट अपनी लाइफ की है उसको पूरा कीजिए। जिसके पास इनकम नहीं है तो वो पढ़ाई के साथ साथ अपने हॉबी को ले जाइए और हॉबी को आगे बढ़ाते हुए अपने पढ़ाई में इंटरेस्टेड रखिए। और हाँ, याद रखिए कि पढ़ाई को जो है पहला कदम दे दीजिए कि हमको हर हालत में पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। और इनके साथ जो मेरा हॉबी है, टैलेंट है, उनको आगे ले जाए। तो साथ साथ जब पढ़ाई, आपका हॉबी साथ में रहेगा तो क्या होगा कि आपका पढ़ाई कभी बीच में रुकावट नहीं होंगी, जिसके कारण पहला कदम पर और पहले थॉट पर हमको पढ़ाई को रखना है। आगे सबसे आगे होना चाहिए पढ़ाई, बाद में की दुनिया में जो भी काम है उसको पीछा छोड़ दो। और भाई आपका जो अंदर में हॉबी है उसको इस्तेमाल करके अपने पढ़ाई के प्रति लगाइए, जो कि कभी यह एहसास ना हो कि मेरे पास पैसा ना हो या मेरे पास पढ़ने की कोई स्रोत ना हो।
और इसके लिए हमको सबसे समस्या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो आशा करते हैं आप सब वीडियो से इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और मैथ म्यूजिक क्लास को जो डिप स्टडी पॉइंट मिनिमली चल रही है उनको चैनल है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।